दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है बिल्कुल नए वीडियो में। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो और अब आए हुए हैं पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी का पूरा वीडियो आने वाला है, डिटेल में पूरा ब्लॉग आने वाला है, बड़ा वीडियो होगा। और ये दो भाग है, एक भाग में आ सकता है। तो अभी हम लोग पंचमढ़ी में, और इधर अभी पांडव केव्स जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलिए पांडव केव्स क्यों घूमने पहले, क्योंकि यहाँ का है कि जो आप जहाँ पे आपको टिकट नहीं लगा वहाँ पे आपकी गाड़ी जा सकती है, नहीं तो ऐसे आपको यहाँ पे जिप्सी करना पड़ेगा जो हिली एरिया है घूमने के लिए। तो देखते हैं हिली एरिया में कहाँ कहाँ घूमेंगे। और जिप्सी का यहाँ पे किराया आप बता दो, कुल मिलाकर आपको 2200 रुपये खर्चा पड़ेगा। तो आएगा तो अपना देख लीजिएगा एस्टिमेट। तो चलिए अब चलते हैं। और अभी तो इधर है रास्ता है पांडव केव्स जाने के लिए। अभी पांडव हम लोग पांडव केव्स अभी आ चुके हैं। ये देखते हैं पीछे ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए, ऊपर में पांडव केव्स। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग पांडव केव्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। रास्ते देखिए कितना नीचे से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं नीचे से और ये ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाना है वहाँ पे, देखिए वहाँ ऊपर। और ये देखिए मेरे भाई कहाँ पे ऊपर, निकल ये कहाँ चढ़ रहा है, निकल गिर जाएगा, देखो ऊपर चढ़ रहा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, काफ़ी थकाने वाला रास्ता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, ठीक है ना। तो आ गए हम लोग बिल्कुल ऊपर, देखे थे और आप भी रहो, क्योंकि ये सीरियस नहीं है, ट्रैकिंग करके हूँ चढ़कर। बहुत प्रॉब्लम हुआ ऊपर आने में, प्रॉब्लम तो नहीं, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, जरूर आइएगा आप लोग। तो चलिए आगे गुफा हम चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। पांडव केव्स ऊपर नीचे आ गए हैं, वो ऊपर था पांडव केव्स। तो ये पांडव लोग को यहाँ पे, पांडव लोग यहाँ पे आके छुपे थे, वही तो गुफा था ये। तो चलिए अब चलते हैं किसी और जगह पे, यहाँ पे बहुत सी स्पॉट है घूमने के लिए। तो देखिए कहाँ कहाँ चलते हैं स्पॉट पे। तो ये तो था पांडव केव्स, और ये पूरा देखिए नीचे हम लोग पूरा पार्क है यहाँ पे, आगे विचार करो देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड स्पॉट है, ये थी पंचमढ़ी म्यूजियम। तो अभी तो आपने देखा ही होगा थोड़ा पंचमढ़ी का भाग। तो चलिए अब अंदर चलते हैं पंचमढ़ी म्यूजियम के। ये पर यहाँ पे आना कंपलसरी ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्ची कटता है 900 रुपये का, जिससे आप अंदर एंटर कर सकते हैं हिली एरिया पे। तो चलिए चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम म्यूजियम के अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। तो ये पुराने जो जानवर होते थे पहले, गाय भैंस वगैरह, उन लोगों का एक बना के यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर ये स्तनधारी जीव हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या, ये बिल्ली वगैरह चिड़िया वगैरह को यहाँ पे बना हुआ है। हमारे साथ जो गाइड है आपको बता दूँ, गाइड भी आपके साथ एक रहेगा। जब आप पर्ची कटवाएँगे यहाँ से जो हिल एरिया पर जाने के लिए, तो आपको गाइड वो मिलेगा जो आपके साथ ही रहेगा, वो कंपलसरी है, उसका लगा था पैसा उसी में। और ये गाइड जो बता रहा है कि यहाँ पे जो जैसे कि ये बाघ है और ये हिरन है जो मरा हुआ है, ये सब पहले ओरिजिनल था यहाँ पे, उसका खाल उतार कर यहाँ पे लोग रखे हुए थे पुराने ज़माने के, अंग्रेज वगैरह जो भी थे। सरकार आया तो सबको हटाकर और एक म्यूजियम टाइप का इसको बना दिया। और जैसे म्यूजियम है, जब भी आइएगा पंचमढ़ी तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। ये पुराना एक घर था, बहुत पुराना मकान, उसी को म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। और ये बहुत सारे जानवर को यहाँ पर इस तरह से बना कर रखा हुआ है, ये सब बनाया हुआ है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है, सब बनावटी है। तो आप ये देखकर इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आया आपको देखने में। तो आगे देखते रहिए वीडियो, मज़ा आएगा। Thank you.
दोस्तों आज ये हम लोग का ये थर्ड स्पॉट है घूमने का। तो आज हम आए ये है सेकेंड वाला थर्ड में, तो ये है बी फॉल, इसको बी फॉल कहा जाता है। ये तो अभी छोटा वाला है, ये झरना है और एक बड़ा झरना भी आता है, वो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए सबसे बड़ा झरना पर चलते हैं और ये रास्ता बहुत ही मस्त है जाने के लिए, पहाड़ ही पहाड़ है। तो चलिए नज़ारा देखते हुए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों यह अभी लोग बी फॉल जाने वाले रास्ते में हैं और देखिए पीछे कितना अच्छा सीन है, ये पीछे काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। तो ये नज़ारा मस्त से देख सकते हैं, ठीक है। और अभी नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा तो और कहिएगा बैक में। अगर आप पंचमढ़ी आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आएँ बी फॉल। ये देखिए अभी आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ बी फॉल का नज़ारा, ये तो सामने है देख सकते हैं, और नीचे देखिएगा तो देखिए ये है बी फॉल। अभी और नीचे काफ़ी बड़ा है और लोग आपको दिख रहे होंगे, नीचे लोग दिख रहे होंगे, छोटे छोटे होंगे, काफ़ी ऊँचाई पर अभी हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। और ये देख सकते हैं जंगल कैसा है, ये पूरा एक राउंड व्यू मैं देता हूँ आपके लिए। ये अगर आप पंचमढ़ी आ रहे हैं तो यहाँ जरूर है, ये बी फॉल है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाने का रास्ता वहाँ कहीं से है, नीचे खतरनाक रास्ता है नीचे जाने के लिए, वहाँ चलते हैं अब। तो नीचे मिलते हैं आपसे। तो हम लोग बी फॉल पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं ये पीछे बी फॉल, आवाज़ आ रहा है पानी का जरूर आवाज़ आ रहा होगा, बहुत काफ़ी मधुर आवाज़ है। तो चलिए बी फॉल के अब नज़दीक से देखते हैं। इसको पंचमढ़ी का जान कहा जाता है, सतपुड़ा का रानी है, सतपुड़ा के पहाड़ियों की रानी पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी का जान ये है फॉल, ये झरना काफ़ी। चलिए अब देखते हैं कैसा है, काफ़ी थकावट हो रहा है चलने में, काफ़ी मतलब कि चलिए अब नीचे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी डीप फॉल के एकदम सामने हैं, तो आप सोच नहीं सकते कैसा नज़ारा है यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ बैक घूमकर, देखिएगा कैसा लगता है ये डीप फॉल। ये पीछे दिख रहा है पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई नहीं मालूम कर रहा है ना, तो रुके आपको बैक कैमरा से मैं दिखा। तो ये है डीप फॉल, देख सकते हैं कैसा नज़ारा है डीप फॉल का, ये कितना मस्त है ना, काफ़ी सुंदर नज़ारा है बी फॉल का। लोग नहा भी रहे हैं पर नहाना नहीं चाहिए, कहीं फिसला हुआ पत्थर है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे नहाना नहीं चाहिए। पर देख रहे कितना पहले ऊंचा से हम नीचे उतरे हैं, ये सीढ़ियाँ 300 सीढ़ियाँ उतरे हैं पूरा गड्ढे में, और ये है बी फॉल, जो पंचमढ़ी का जान कहा जाता है। और लोग नीचे ये आ रहे हैं सब, और उधर देख रहे पूरा घना जंगल है, घूम सकते हैं जाकर आप, पूरा जंगल तो नहीं जाना है, अलाव तो नहीं है, पर ये देख रहे ऐसा नज़ारा है कुछ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे थोड़ा, ये एक दूसरा एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको डॉल फॉल, ये देख सकते हैं ये फॉल है पूरा, और ये और देखिए निखिल कहाँ है, देखिए वहाँ निखिल गया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉल है पूरा, वो जा रहा है, वो देखिए कहाँ जा रहा है निखिल, और ये पूरा पानी नीचे जा रहा है देख सकते हैं, पानी वहाँ जा रही है नीचे, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा पूरा पानी के कस के। तो दोस्तों हम लोग फिर से आ गए ऊपर ही, जहाँ से नीचे गए थे बी फॉल में, वो नीचे था, सीढ़ी चढ़ना पड़ा, बहुत हालत ख़राब हो गई है चढ़ना। तो वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी चढ़ने में हालत ख़राब हो गया था, तो मिले वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।